इनको देखिए, शंकर भगवान के अवतरित तो है रूप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसी ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे, तो बढ़िया ही होना चाहिए। जैसा कि हम आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाए हैं माता विंध्यवासिनी का दर्शन एवं काली खोह का दर्शन, अब इस समय हम लोग माता अष्टभुजी के यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप लोगों को त्रिकोण दर्शन हम अपने इस चैनल से आपको ज़रूर दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसी ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग काली खोह का दर्शन करके माता अष्टभुजी के लिए सीढ़ियों के मार्ग से चढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर अष्टभुजी की चढ़ाई के लिए। ये सीढ़ियाँ जो हैं खड़ी एवं बहुत कठिन सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और अब अष्टभुजी का भी दर्शन करेंगे हम लोग चढ़ के ऊपर, और आप लोगों को भी माता अष्टभुजी का दर्शन कराएंगे। अब हम लोग सीढ़ी की चढ़ाई कर अब हम लोगों की सीढ़ी की चढ़ाई ख़त्म हुई और अब इस मार्ग से हम लोग माता अष्टभुजी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। देखते हैं अगर वहाँ पर फ़ोन अलाउ रहेगा तो आप लोगों को भी मूर्ति का साक्षात दर्शन कराएंगे। अगर फ़ोन नहीं अलाउ रहता तो यहाँ पर शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर दें आप लोग। ये देखो यहाँ पर ये सुग्गे उड़ रहे हैं। ये देखो नाग महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखो कठिन न भाई, लीजिए। ये देखो दो प्रकार के सांप रखे हुए हैं भाई साहब। ये देखो अष्टभुजी माता में ऐसी मान्यता है, यहाँ पर जो लोग इन पत्थरों से अपना घर बनाते हैं और जो मन की कामना मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। ये देखो सब लोग अपना अपना घर बनाए हुए हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं आप कितनी भारी मात्रा में लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग अपना अपना घर बना रहे हैं। ये देखो हमारे भारत के महान कलाकार जी, यहाँ से 1 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है हम लोगों का अष्टभुजी मंदिर। इस रास्ते से हम लोग जाएंगे अष्टभुजी मंदिर और वहाँ पर दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी वहाँ का दर्शन कराएंगे। देखो ऊँट पर यहाँ पर ऊँट की सवारी की जाती है, देख सकते हैं आप लोग जब भी आइएगा अष्टभुजा में, अगर आप भी ऊँट की सवारी करना चाहते तो यहाँ पर कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पर, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रहें। ये आप लोग देख सकते हैं अपने भारत का फल यहाँ से प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर पंछियों द्वारा अपना वो निकाला जाता है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत है तो यहाँ पर पंछी लोग तुरंत से आपका वो निकालेंगे और जो आपके लिए वो रहेगा वही बताएंगे। अब आपको हम दिखा रहे हैं, फिर देखिए आप लोग कैसे पंछी निकाल रहे हैं। देखिए कैसे चूज कर रहा है। सुल्तान ऐसी आओ, ऐसी आओ। हाँ हाँ अपने भाई को पहले जमा जमा
ये देखिए अष्टभुजी धाम से नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है। वो सामने देखिए गंगा नदी बह रही है, और देखिए पेड़ पौधों का कितना खूबसूरत एवं अच्छा नज़ारा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल नज़ारा। और अष्टभुजी से आप लोग रोपे भी करना चाहते हैं तो सामने दिखाई दे रहा आपको रोपे स्टेशन, आप लोग रोपे की सहायता से नीचे उतर सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं आप लोग। देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा एवं खूबसूरत नज़ारा है। वाह, ये देखो अष्टभुजी माता रानी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 15 से 20 हज़ार लोगों की ये लाइन लगी हुई, कितनी लंबी कतार लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर माता अष्टभुजी के दर्शन के लिए। बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की लाइन लगी हुई है। और इस मंदिर की मान्यता इस प्रकार है, जब कंस जी जेल में जाकर वासुदेव देवकी के 8वें संतान को मारने के लिए गए तो उन्होंने जैसे नीचे माता रानी को फेंका वैसे वो आकाश में चली गई, और वहीं से माता रानी ने कंस का मृत्यु का संदेश दिया और वहीं से 8 भुजाओं में प्रकट होकर दिव्य दर्शन दिया और वहां से विलुप्त होकर विंध्याचल की पहाड़ियों पर यहां पर आकर और यहीं पर आकर स्थापित हो गई। तब से इस धाम का नाम माता अष्टभुजी के नाम से जाना जाता है और यह त्रिकोण दर्शन का लास्ट दर्शन होता है। आप लोग यहां का दर्शन कर लें, काली को विंध्याचल एवं लास्ट दर्शन अष्टभुजी का होता है, अष्टभुजी का लास्ट दर्शन होता है। यहीं से आप लोगों का त्रिकोण दर्शन संपूर्ण माना जाता है। ये देखो कितने लंबी लाइन है, ये देखिए बंदर कैसे पानी पी रहे हैं, इन दोनों को देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखिए कैसे पानी पी रहे हैं ये लोग। हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं ये।